तो भाई कल हुआ एलबीसी यादव का बहुत ही बड़ा मीटअप, मतलब लाखों की संख्या में भीड़ जमा हुई थी। बिग बॉस जीतने के बाद एलबीसी यादव का यह पहला मीटअप था। आपको सारा वीडियो दिखाने वाला हूँ, बस उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ट्रॉफी है, मैं अपने साथ भी लाया हूँ। एलबीसी के माता पिता भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री। और मैंने मेरा पड्डा एलबीसी यादव को आप राव साहब कहते हैं ना यार, भाई अपने इस राव साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना इसके लिए। अब 30 दिन बाद आया मैं बाहर, है थोड़ी भाई की चिंता, कर दिया सिस्टम हैंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम पहुंच चुके हैं एलबीसी यादव के मीटअप में, गुरुग्राम के ताऊ जी स्टेडियम में, और भीड़ मेरे पीछे आप लोगों को जबरदस्त नजर आ रही है। तो यहां आने से पहले अपने चैनल के लिए मैंने भाई फजलपुरिया जो राहुल यादव है उनका इंटरव्यू किया है, और भी व्लॉगर्स यहाँ मिले हैं, और लोग लगातार चिल्ला रहे हैं सिस्टम सिस्टम। तो एक बार भीड़ में आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ आगे आने के लिए किसी को अनुमति नहीं। देखो हजारों लोग तड़प रहे हैं, जहाँ पे मैं हूँ ना, यहाँ पे आने के लिए हजारों लोग तड़प रहे हैं, लेकिन हमें मौका मिला है और हम सबसे आगे खड़े हैं। ये देखो बार बार कटारिया और जो उसके साथी हैं वो सब बार बार कसम दे रहे हैं कि सब पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, लेकिन भाई लोग पागल ही हो रहे हैं। देखो यार कितने जबरदस्त भीड़ है, और यहाँ सबसे आगे हम हैं, क्योंकि भाई हरियाणा के सीएम भी आ रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, तो इसलिए ये डी यहाँ से पूरा खाली करा दिया है। तो पहले हम यहाँ पे थे, यहाँ से मैंने कुछ वीडियोज बनाई थी, वो मैं नहीं दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ मीडिया वालों को आप पीछे कर दिया। ये डी है, इस डी में मीडिया वाले खड़े हैं, उसके बाद एक डी खाली है, और फिर भाई पीछे देखो भीड़ भीड़ जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे। देखो यार दूर तक लोग अभी भी आ रहे हैं, भाई 6 बज रहे हैं और लोग अभी भी आ रहे हैं। देखो भाई सिक्योरिटी खूब जबरदस्त रखी है, सिस्टम वाकई में हैंग कर दिया अखिलेश यादव ने। ये दूर तक देखो भाई के बैनर्स लग रहे हैं और जबरदस्त भीड़ है। तो भाई अब हम फुल मस्ती करेंगे, फुल सिस्टम हैंग कर देंगे, थोड़ा सा शोर आएगा, तो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे आगे पीछे 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 सबसे आगे आ जाओ, अरे थोड़े थोड़े पीछे जाओ, पूरा चले जाओ, स्टैंड बाय लगा करूंगा, सही लगा पाऊंगा मैं आप लोगों को पीछे। भाई वीडियो यार आप सभी को अभिनंदन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 7वें राज्यसभा सांसद भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एल्विस को आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अभिनंदन समारोह में विशेष रूप से आप लोगों के बीच आए हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा एल्विस से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। एल्विस माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अभिनंदन समारोह में पहुंचने पर बुके भेंट कर रहे हैं, और अब एल्विस से रिक्वेस्ट है कि हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी को भी बुके भेंट करके उनका यहां पर पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन करें। श्री कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सांसद, उनको भी एल्विस द्वारा बुके भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे एल्विस को आशीर्वाद स्वरूप एक शॉल भेंट करें। तो सभी से रिक्वेस्ट है, तालियां बजाइए, देखिए
माननीय मुख्यमंत्री महोदय एल्विस की इस बड़ी उपलब्धि पर इस अभिनंदन समारोह में आशीर्वाद स्वरूप शाल भेंट कर रहे हैं। देखिए हरियाणा के युवा जहां खेल और शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब मनोरंजन के क्षेत्र में भी युवाओं ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किया है। आप सभी की तालियां। और अब मैं गुजारिश करूंगा एल्विस से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। कैसे हो सारे? ठीक हो? अब 30 दिन बाद आया मैं बाहर, है थोड़ी भाई की चिंता? कर दिया सिस्टम हैंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए इस मीटअप के लिए। पिछली बारी मैं मौजूद नहीं था रोहिणी में जो हमारा मीटअप हुआ था, बट उसकी कमी आज आप लोगों ने पूरी कर दी। और इस अभिनंदन समारोह में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां और इनके स्वागत में भाई तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां जी। हमारे हरियाणा का यूथ हर फील्ड में आगे जा रहा है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। मैं जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिला, इन्होंने मेरा जोश दोगुना कर दिया। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ सर, तो इन्होंने खुद से बोला कि जरूर आऊंगा मैं भी। मैंने एक छोटा सा पूछा था कि सर आ जाओगे आप, इन्होंने एक बारी में बोला कि मैं जरूर आऊंगा। और काफ़ी दिक्कतें थी परमिशंस की कि मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, वो भी इन्होंने एक बार कहने पे मुझे परमिशन दिलाई, तो सर मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने इस कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यूथ के लिए और हमारे हरियाणा प्रदेश के यूथ के लिए, हमारे देश के लिए आप दो शब्द बोलें। राम राम। बोलो राम राम। भारत माता के, भारत माता के। भाई सबसे पहले तो मैं अपने इस नौजवान साथी एल्विस यादव को, और मैंने मेरा पड़ा के एल्विस यादव को आप राव साहब कहते हैं ना यार, भाई अपने इस राव साहब को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना इसके लिए, बहुत शुभकामना। हरियाणा में प्रतिभाएं बहुत हैं, टैलेंट बहुत है, और एल्विस जैसा टैलेंट ये कभी कभी मिलता है, इस टैलेंट का मैं सम्मान करता हूं। इंडिया का टैलेंट के आधार पर ही हम आने वाले 1 नवंबर हरियाणा दिवस पर हरियाणा प्रतिभा सम्मान ये एक समारोह आयोजित करेंगे। इस प्रतिभा सम्मान में जितने भी हरियाणा के प्रतिभावान युवक हैं उनमें से बेस्ट को छांटा जाएगा, और बेस्ट को छांटने के बाद हरियाणा उसको सम्मानित करेगा। अब जब हम 1 नवंबर को शुरू करेंगे, मालूम नहीं एल्विस हमारा राव साहब उसमें अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं आज घोषणा करता हूं एक विशेष सम्मान हम एल्विस यादव को उस दिन देंगे, एक विशेष सम्मान देंगे। बोलो भारत माता के एल्विस भाई के बहुत बहुत धन्यवाद।
वजह से 30 दिन गायब था, और जो ट्रॉफी जीत के लाया, मतलब आप लोगों की ट्रॉफी है, मैं अपने साथ भी लाया हूँ एक बारी। आओ जी, ये ट्रॉफी जो एल्विस भाई को मिली है, ये एल्विस भाई को देते हुए मैं इनको कहता हूँ, ये जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें, ये ट्रॉफी आज से युवाओं की। बहुत बहुत धन्यवाद। एल्विस के माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एल्विस को सम्मानित किया है। वो ट्रॉफी जो जीत कर लाए थे, उसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभिनंदन समारोह में एल्विस को भेंट करके। तो भाई हम सबसे आगे खड़े हैं, और अभी एल्विस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए थे यहाँ पर। वीडियो की शुरुआत में थोड़ी सी ऑडियो फट रही है, ज्यादा ऑडियो है, माइक थोड़ा मैं नजदीक कर लिया, इस वजह से ऑडियो फट रही है, लेकिन मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। देखो सभी बच्चे अपने, ये हम बिल्कुल आगे हैं और दुनिया पीछे है। दिल से दुआ है कि सभी बच्चों को, अभी एल्विस दोबारा आएगा और क्या अपने इन चाहने वालों को कहेगा वो भी दिखाएंगे यहाँ। अभी एल्विस के पिताजी जो है वो बोल रहे हैं, उसकी मम्मी और पापा जिनका हमने इंटरव्यू किया था पहले, और अब एल्विस आने वाला है, एल्विस आके बात कहेगा, वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। और एल्विस भाई का अभी एक गाना और रिलीज हो रहा है, आप एल्विस भाई ये देखो, ये लाइटें तो जला रखी है, ये वो आदमी है जिसने हरियाणा के युवा को पूरी दुनिया में ये बता दिया है कि बिग बॉस जीतने वाला एकमात्र युवा हरियाणा का इतनी छोटी उम्र का हो सकता है। इसलिए एल्विस के लिए बोलिए, सिस्टम सिस्टम एल्विस आ जा छा जा। अब सारे जने से किल की मार दोगे तो एक गाना एल्विस भाई मेरी तरफ से सुनाएगा, छोड़े हरियाणा वाले कार्ड के लट्ठे भाई, अपने भाई बना लिया पैराडॉक्स, तो बजा दे भाई, बजा दे, शोर नहीं आ रहा। थैंक्स यार, आगा स्वाद। एक बार भोले बाबा के लिए एक गाना है, अरे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, चला दो भाई चला दो। इतना जीत गया है भाई, और आप सभी का धन्यवाद इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, ठीक है, बहुत सही आदमी को जिताया है आपने, बेस्ट 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 टेस्ट। एक बार चला दो, 3-2-1 प्यारा भाई को बहुत 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 शुक्रिया यार, भाई ने टाइम निकाला, पिछली बार हो नहीं पाया था, इस बार ही सारे भाइयों ने धुम्मा उठा दिया भाई, सिस्टम हैंग कर दिया। मेरे जितने भी आर्टिस्ट भाई आए यहाँ पे, राहुल भाई, प्रिंस भाई, और भी मैं, मतलब बहुत सारे मेरे भाई है, भाईचारा इतना कमा रखा हमने कि नाम कम पड़ जाते हैं, तो सभी लोगों को भाई तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, और सारे भाई फ्री मार रखे, नुमा चोजना पैसे पूछे दिए इतने, सारे फ्री मार रखे, तुम सोच रहे थे पैसे मिलेंगे नहीं भाई, सारे भाइयों को दिल से प्यार, और मुझे पता है भाई हमेशा हमारी सपोर्ट में खड़े रहते हैं, मेरे जितने भाई भाई एक भाई और यार, अब स्टेज पे बने रहिएगा, एल्विस और प्यारा भाई आप लोग भी, कौन सा भाई है जो हमें ना पता अरे एल्विस 2.2 भी आएगा भाई क्या हाल है सबके, ठीक है, सिस्टम हैंग कर रखा नहीं कर रखा, हाँ भाई, अरे शोर नहीं हो रहा क्या, आवाज नहीं आ रही मेरे को, हरियाणा वालों में घी कम हो गया क्या, घी खा के नहीं आए तेज, अरे दारू भी 10-4 यही बना देंगे आज भाई सबसे पहले सबको थैंक यू वहां पे आने के लिए, भाई को सपोर्ट करने के लिए, एल्विस भाई को, सही है भाई, और सिर्फ आप लोगों की वजह से
आज ट्रॉफी गुड़गांव आई है, सो थैंक यू सो मच आप लोगों को। शोर कर दो सिस्टम, तो यहाँ बैठा पीछे आ जाओ भाई सिस्टम जी, आ पीछे बैठा यार तुम्हारे 2.0 भी है इधर। हेलो देखा है ये मेरा करप्ट यूबर है, ये मेरा कटारिया कटारिया का कटारिया। हेलो ये भाई मेरे सारे भाई हैं, बहुत पुराने दोस्त, जिगरी मेरे भाईचारा, एक ही बात है तो भाई गले एक बार भाई ताली बजा दो सारे जितने भी भाई गले मेरे एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग आए सभी लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, हाथ जोड़ के धन्यवाद, तालियां मार दो। अब गाना बजेगा भाई, अब गाना बजेगा, जाओ चले मत जाना, परफॉर्मेंस की बारी, चलो परफॉर्मेंस करके फिर। अरे सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। अरे भाई रोटियों में घी नहीं लगा क्या? अरे अरे तेरी एनर्जी दिखा दो यार थोड़ी, गाना चला दो प्लीज।